हाई एवरी वन ऑल ऑफ यू वेलकम इन माई चैनल तो फ्रेंड्स आज हम हमारे वीडियो में कुछ डेली यूज सेंटेंस लेके आए हैं हिंदी और इंग्लिश में ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें फ्रेंड्स तो हमारा पहला सेंटेंस है बहाना मत बनाओ डोंट मेक एक्सक्यूजेस तुम मुझे कैसे जानते हो हाउ डू यू नो मी मुझे नींद आ रही है आई एम फीलिंग स्लीपी तुम ये कब से कर रहे हो सिंस वन हैव यू बीन डूइंग दिस मैं आज कार चलाऊंगा आई विल ड्राइव द कार टूडे उसे गाली मत दो डोंट एव्यूज हिम मैं चाहता हूँ कि तुम चुप रहो आई नीड यू टू कीप क्वाइट क्या आप अभी भी नींद में हैं आर यू स्टिल स्लीपी जरूर कोई बात है देयर इज डेफिनेटली समथिंग धीमे बोलो प्लीज कीप इट डाउन प्लीज क्या चल रहा है वर्ड्स गोइंग ऑन इसे दिल पर मत लो डोंट टेक इट टू हार्ट मैंने अपने दोस्त से झूठ बोला था आई लाइट टू माई फ्रेंड मैं बिल्कुल थका हुआ नहीं हूँ आई एम नॉट टायर्ड एट ऑल आपको देर तक इंतज़ार करना पड़ेगा यू विल हैव टू वेट फॉर अ लॉन्ग टाइम मुझे नहीं पता कि वह आया है या नहीं आई डू नॉट नो वेदर ही हैज़ काम और नॉट मेरा मन बेचैन है माई माइंड इज रेस्टलेस अभी मैं परेशानी में हूँ आई एम इन ट्रेवल नाउ तुम यहाँ क्या कर रहे हो What are you doing here? मैं कड़ी मेहनत करने का वादा करता हूँ। I promise to work hard. उससे माफी मांगो। Apologize to him. जो बोलना है बोलो। Say whatever you want to say. वो कोई राज नहीं रख सकती सी कांट कीप अ सीक्रेट मेरे साथ मत उलझो डोंट मेस विथ मी जब मैं फ़ोन पर बात कर रही हूँ तो चुप रहा करो कीप क्वाइट वाइल आई एम ऑन द फोन ये मत करो वरना उससे गुस्सा आ जाएगा डोंट डू दिस और सी विल गो मैट तुम ये कब से कर रहे हो सिंस वैन हैव यू बीन डूइंग दिस आगे आगे देखो होता है क्या सी व्हाट हैपेंस वाई एंड वाई खाना खराब हो गया है द फूड हैज गन गैट मुझे घबराहट हो रही है आई एम गेटिंग नर्वस अंधेरा होने लगा ई स्टार्ट इड गोइंग डार्क अचानक से वे चुप हो गए सडनली दे क्वाइट हे भगवान हमारी रक्षा करो ओ कॉट प्रोटेक्ट आस इसका स्वाद कुछ नींबू जैसा है इट टेस्ट समथिंग लाइक लेमन सब बिलकुल सही होगा एवरीथिंग विल बी जस्ट फाइन वह इसे अपना कर्तव्य मानता है ही कॉन्सिडर्स इट हीज ड्यूटी इसे उसे दे दो गिव इट टू हर क्या मैं आपसे बात कर सकती हूँ मे आई स्पीक टू यू तुम जिद्दी हो यू आर स्टॉन इसका स्वाद काफ़ी अच्छा है इट टेस्ट प्रीटी गुड तुम होते कौन हो हु द हेल आर यू मुझे एक मौका दो गिव मी अ चांस म्यूजिक तेज करो टर्न ऑफ द म्यूजिक अगर तुम ऐसे ही करती रही तो जेल जाओगी इफ़ यू गो ऑन लाइक दिस यू विल एंड अप इन प्रिजन लेकिन ट्रेन दस मिनट पहले ही निकल गई थी बट द ट्रेन हैड लेफ्ट टेन मिनट्स बिफोर यह एक भयानक अनुभव था इट वॉज़ अ टेरिबल एक्सपीरियंस चलो इस मामले को दबा कर रखते हैं लेट्स कीप दिस मैटर अंडर रैप्स मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है आई हैव समथिंग फॉर यू खुद पर ध्यान दो पे अटेंशन टू योर सेल्फ संपर्क में रहना कीप इन टच चुप रहो कीप मम मुझे वापस कॉल करना कॉल मी बैक मुझे आराम करने दो लेट मी टेक रेस्ट मैं बाकी सब संभाल लूँगा आई विल हैंडल द रेस्ट बेवकूफ़ी मत करो डोंट बी स्टूपिड मुझसे बहस मत करो डोंट आर्ग्यू विथ मी वो बहुत मासूम है सी इज सो इनोसेंट उससे बात करो टॉक टू हिम अपनी भावनाएं नियंत्रित करें कंट्रोल योर इमोशंस अपना काम ठीक से करो डू योर वर्क प्रॉपरली मैं अक्सर वहाँ जाता हूँ आई ऑफ गो देर वहाँ मेरे पास से गुजरा ही पास्ट बाय मी बहुत देर हो चुकी है इट्स टू लेट जल्दी करो और देर मत करो अप एंड डोंट बी लेट उसका मजाक मत बनाओ डोंट मेक फन ऑफ हीम मुझे शांति से जीने दो लेट मी लाइफ पीसफुल्ली वास्तविकता के प्रति जागो वेक टू रियालिटी तैयार हो जाओ और नीचे आओ गेट रेडी एंड कम डाउन तुम बेवजह यहाँ बैठे हो यू आर अननेसेसरली सीटिंग है अब आगे क्या होने वाला है वर्ड्स इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट मैंने आपसे कभी भी कुछ नहीं कहा आई नेवर टोल्ड यू एनी थिंग क्या करें वाट टू डू कमरे में कोई नहीं है नो वट इज देयर इन द रूम मैं चल नहीं सकती आई can't work. मैं वहाँ एक बार गया था I had been there once. तुम मेरे बारे में गलत हो You were wrong about me. तुम कुछ बोलो You say something. क्या आप अंग्रेजी बोलते हैं कैन यू स्पीक इंग्लिश हिलो मत स्थिर रहो डोंट मूव स्टे स्टिल मुझे यह बहुत पसंद है आई लाइक इट अलाउट मुझे दूसरों से संपर्क करना कठिन लगता है आई फाइंड इट डिफिकल्ट टू अप्रोच अदर्स वह डरी हुई है सी इज स्केर्ड नीचे आओ कम डाउन स्टेयर्स जल्दी से नीचे आओ कम डाउन क्विकली मैं अभी तक नहीं जानती आई डोंट नो येट बाहर जाओ और उसे ढूंढो। गो आउट एंड फाइंड हिम उसे थाने ले आओ ब्रिंग हिम इन द पुलिस स्टेशन मुझे शर्मिंदा मत करो डोंट एवरेस्ट मी ये खुशी के आंसू है देस आर द टीयर्स ऑफ जॉय वो माफ़ी के लायक नहीं है ही डनट डिज़र्व फॉर गिवनेस हमारे साथ रहिए स्टे विथ आस और कुछ करने के लिए नहीं है नथिंग एल्स टू डू पूरी दुनिया उसे जानती है द होल वर्ल्ड नोस हिम हर किस नहीं नॉट एट ऑल मैं थोड़ा देर में आता हूँ आई विल बी बैक इन अ वाइल ये मुझे करने दो लेट मी डू ईट अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करे और शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में एक सुंदर सा कमेंट जरूर करें थैंक यू फॉर वाचिंग।